ये जो मशीन है कौन सा मॉडल है? ये सेंटर फैन में है। सेंटर फैन मॉडल है ये। ये आगे का पंखा है, अनाज की पुली है अभी ये आप देख रहे हैं। ये बीच में अभी किस पे काम करेगी? ये सरसों में चली। और पीछे की साइड में किस पे काम करेगी? पीछे ये वहाँ में चली गेहूँ में। और आगे किस पे? डॉलर से। कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए मशीन अच्छी है जी। निकासी आपने चलते हुए देखी होगी। 34 का ड्रम है इसका और 34-46 का ड्रम है। बढ़िया है यहाँ पे आइस बिल्डिंग है। एग्रो के अंदर बढ़िया बनाते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? खाने पीने रहने की कोई दिक्कत? कितने दिन पहले ऑर्डर किया था? ये भूत मॉडल है, कट वाला भूत मॉडल। इसमें कितने कट है? इसमें सिंगल कट का है। सिंगल कट का सेपर पत्ती में सिंगल कट। 13-15 का है। 5 जॉइंट में गेयर बक्सा है। काफ़ी बड़ा हेड है और काफ़ी बड़ी मशीन है और 5 जॉइंट में गेयर बक्सा अंदर लगाई। कितने एमएम की है? ये 4 एमएम की है। 4 एमएम की चाकड़ की 10 गेयर साइड में लगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ रामगढ़ में और मैं आया हूँ आयुष फील्ड किंग एग्रो के अंदर। यहाँ पे थ्रेशर बनाने का काफ़ी बड़ा कारखाना है। ये जो थ्रेशर आप देख रहे हैं ये यहीं पे बनाई गई है। तो हम बात करेंगे कि ये जो थ्रेशर इनके अंदर कौन सी चादर लगाई जाती है, कौन सा गेयर बक्सा होता है, कौन सा मॉडल होता है, यही सारी बातें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और हमसे जुड़ेंगे जो यहाँ के हेड मैकेनिक है आयुष फील्ड किंग एग्रो के, वो हमसे जुड़ेंगे और इन थ्रेशरों के बारे में बताएंगे। कुछ किसान भी है जो यहाँ पर आए हुए हैं, मशीन लेने के लिए बनवाई उन्होंने, उनसे भी हम बात करेंगे, फीडबैक लेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना परिचय दीजिए। आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं हेड मैकेनिक के तौर पे और अपनी जो थ्रेशर है कहाँ कहाँ तक जाते हैं, यहाँ पे एड्रेस क्या पड़ता है? ये थ्रेशर तो काफ़ी जगह जा रही है, MP, UP, महाराष्ट्र जी, अपने यहाँ लोकल भी जा रही है जी। तो यहाँ पे ये जो मशीन है, ये वाली मशीन बनाई गई, ये कंप्लीट हो गई है मशीन, किसान इसको लेके जा रहा है। किसान से भी हम बात करेंगे, पहले आप थोड़ा सा बता दीजिए मशीन के बारे में। ये जो मशीन है कौन सा मॉडल है? ये सेंटर फैन में है। सेंटर फैन मॉडल है ये जी। ये आगे का पंखा है, अनाज को साफ करता है। ये अनाज यहाँ से नीचे निकलेगा, इसके अंदर ये एलिवेटर लगाया हुआ है। सिंगल नाली का, डबल नाली का? ये सिंगल का है। सिंगल नाली का एलिवेटर है। इसके अंदर आपने चैनल में बनाई है जो मशीन है? हाँ, चैनल में हैवी मशीन है। हैवी मशीन है, हैवी ड्यूटी की। ये 3 जुट्टे की पुली है अभी ये आप देख रहे हैं। ये बीच में अभी किस पे काम करेगी? ये सरसों में चली। और पीछे की साइड में किस पे काम करेगी? पीछे ये वहाँ में चली गेहूँ में। और आगे किस आगे पे? डॉलर चने पे। डॉलर चने पे। तो ये पुली की सेटिंग हो गई। इसके अंदर जो व्हील लगाया, बैलेंस बोलते हैं इसको, ये कितने केजी का आता है? 180-90 केजी का बैठता है ये। और ये लोहे का है? नहीं, ये कास्टिंग का है। कास्टिंग का, लोहे का भी लगाते हैं? लोहे का तो और भी भारी पड़ता है। भारी पड़ता है। तो बैलेंस आपने देख लिया। और इसका जो चेचिस है वो कौन सी कंपनी का है? विजाक का है? नहीं, इसमें सेल का है। सेल का ही, सेल का इसमें लगाया है। कंपनी का ही लगाते हैं, विजाक का या सेल का। इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है मशीन की? लंबाई इसकी 18 फुट, 18-19 फुट बैठ जाती है। 19 फुट बैठ जाती है। ये डेकोरेशन आपने खुद ने की है जी? तो ये आयुष फील्ड किंग एग्रो के नाम से इनकी फर्म है और ये इनके नंबर है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसका हेड के बारे में बताएं और ये इसका जो साइज है, ड्रम साइज उसका? ड्रम साइज 34 का है इसका। 34 का ड्रम है इसका और 34-46 का ड्रम है इसका। जो हेड है वो हेड, ये भूत मॉडल है, कट वाला भूत मॉडल। इसमें कितने कट है? इसमें सिंगल कट का है। सिंगल कट में, सेपर पत्ती में सिंगल कट। 13-15 का हेड है। 13-15 का हेड है, काफ़ी बड़ा हेड है। पीछे से आप कन्वेयर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा कन्वेयर है इसका। और ये इसमें कितने जॉइंट में गेयर बक्सा? 5 जॉइंट में गेयर बक्सा है। काफ़ी बड़ा हेड है और काफ़ी बड़ी मशीन है और 5 जॉइंट में गेयर बक्सा है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं काफ़ी डेकोरेटेड की हुई है। और ये नीचे के दो भूसा फेंकने के हैं। इसमें जो चादर लगाई कितने एमएम की है? ये 4 एमएम की है। 4 एमएम की चाकड़ की, 10 गेज साइड में लपेटे में। हाँ। तो ये आप मशीन देख रहे हैं, हैवी ड्यूटी की है। और वारंटी क्या है मशीन की? वारंटी इसकी 2 साल की गारंटी है। 2 साल की गारंटी है इसकी, यानी कि 2 साल तक अगर कुछ भी होता है, मशीन टूट जाता है, फैन बेल्ट खराब हो जाती है, उसको वहीं करके आते हैं। वहीं करके आएंगे।
तो ये किस किसान ने बनवाई है, हमें मिलवाई थोड़ा सा। जी नमस्कार, नमस्कार। जी आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। ये मशीन आप ही ने बनवाई है मोहर सिंह जी? आपने यहाँ पे जो मशीन का ऑर्डर दिया था वो किस तरीके से दिया था? कहीं चलते हुए देखी थी या फिर पहली बार आपकी मुलाकात हुई थी? किस तरीके? पहली बार मुलाकात हुई थी। मशीन कैसी है इनकी? अभी सही है। वैसे दाना वगैरह की कोई शिकायत के लिए बोला इन्होंने कि नहीं आएगी? वारंटी गारंटी के लिए क्या बोला है? एक सीजन की वारंटी गारंटी दे रहे हैं। तो आप हमारे किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बढ़िया है, यहाँ पे आयुष फील्ड किंग है एग्रो के अंदर, बढ़िया बनाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? खाने पीने रहने की कोई दिक्कत? कितने दिन पहले ऑर्डर किया था? 5-6 दिन। और आज लेके जा रहे हैं? ये ट्रैक्टर आप ही का है? और ट्रैक्टर से ही लेके जाएंगे? तो एक किसान है, ट्रैक्टर से ही लेके जाएंगे। और कौन सा जगह बताया आपने यूपी में? यूपी में सिकंदराव। सिकंदराव, तो ये यूपी से आए किसान है सिकंदराव। और भी किसान हैं जो यहाँ पे थ्रेसर बनवा रहे हैं, हम उनसे भी बात करवाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ पे बनवाई। जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? नीलेश सिंह परियार। नीलेश सिंह परियार जी, आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। कौन सी जगह है महाराष्ट्र में? बुलाना जिला। बुलाना जी, आप यहाँ पे आए हैं इतनी दूर से चल के और यहाँ पे आपने थ्रेसर बनवा रहे? बन गई है? बनवा रहे। कौन सी मशीन है आपकी? 3 पंखों में ये वाली। हाँ तो आप ये देखिए, 3 पंखों में है ये वाली, सेंटर फैन बोलते हैं इसको। ये जो हमने पहले दिखाई थी ये वाली मशीन है, अभी बन रही है इनकी मशीन, चैनल में बनाई है। काफ़ी हैवी बील भी लगा है इसका। तो आपने जो मशीन बनवाई है ये वाली, ऑर्डर पे बनवाई है? हाँ। कितने दिन पहले ऑर्डर किया था आपने? 4 से 5 दिन हो गए। 4 से 5 दिन हो गए, आज बन जाएगी पूरी। हाँ। आज शाम तक ले जाएंगे मशीन को। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए? मशीन बहुत अच्छी है। मशीन अच्छी है, निकासी में भी अच्छी है जी। निकासी आपने चलते हुए देखी होगी? पहले पहले चलाई हुई है, तो इन्होंने चलाई हुई है नीलेश जी ने, और चलते हुए देखी है। काफ़ी यहाँ पे किसान आते हैं जो मशीन बनवाते हैं। आप कुछ कहना चाहें नीलेश जी, तो आप हमारे किसानों को बताइए, कुछ कहना चाहते हो तो? आपको पता है वो वाइब्रेशन कम करती है? वाइब्रेशन नहीं है, जीरो वाइब्रेशन है। दाना नहीं फोड़ती? दाना नहीं फोड़ती। और कोई शिकायत नहीं आती? वारंटी के लिए भी 1 साल की वारंटी मिलती है? 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। और कोई दिक्कत? साल के अंदर कुछ भी एक्सीडेंट ना होते हुए समझो कुछ खराबी आ गई तो सुधार देंगे। 1 साल के अंदर अगर कोई भी खराबी आ गई तो सुधार देंगे। जो एक्सीडेंट में होता है उसकी वारंटी नहीं है? वारंटी नहीं है, एक्सीडेंट में होता है तो वारंटी नहीं है। बाकी मशीन में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है तो उसको ठीक करके देंगे। तो इतने दूर दूर से किसान आए, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से, सारे किसान यहाँ पे हैं और यहाँ पे थ्रेसर बनवाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो थ्रेसर है तसल्लीपूर्वक बनाई जाती है और मशीनों के अंदर वाइब्रेशन नहीं होता। मशीन काफ़ी हैवी लोड की होती है, हैवी ड्यूटी की मशीन बनाई जाती है। हम आपको जो मशीन है वो चलते हुए भी दिखा सकते थे, लेकिन अभी हम कारखाने पे आए हैं तो हमने आपको सिर्फ ये मशीनें दिखाई हैं। और किसान यहाँ पे आए हुए बनवाने के लिए, तो इनसे भी हमने बात की है, तो सारे किसान कह रहे हैं कि बढ़िया मशीन है। तो हम भी यही कहेंगे, अगर बढ़िया है तो यहाँ पे बनवाइएगा। और यहाँ पे बनवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इनके हेड मैकेनिक के या इनके ऑनर के, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अब जब मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।